नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूल्स विला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीट माइंसर मशीन। अगर आप फूड बिजनेस जैसे मोमो का स्टॉल लगाते हो या फूड स्टॉल, या फिर आप अपने घर में कीमा बनाना चाहते हैं, तो इस मशीन के सहायता से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो के बीच में हम आपको मशीन से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, कैसे इस मशीन को आप क्लीन कर सकते हैं और कैसे बिना परेशानी के इस मशीन को ज्यादा दिन तक चला सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक माइंसर मशीन है। इस मशीन के सहायता से आप बड़ी आसानी से मटन या चिकन का कीमा बना सकते हैं। अक्सर हम कीमा बनाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों ही ज़्यादा लगता है। लेकिन आप इस मशीन के सहायता से आसानी से कीमा बना सकते हैं, जिसमें आपका समय का भी बचत होगा और मेहनत भी कम लगेगा। तो चलिए आपको हम इस मशीन की स्पेसिफिकेशन और इसकी बॉडी मटेरियल के बारे में बताते हैं। माइंसर मशीन दो मॉडल में आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक मैनुअल माइंसर मशीन है, जिसको आप आसानी से हाथों से ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा मशीन जो देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक माइंसर मशीन है। इसके साथ पुली लगी रहती है, जिसको आप आसानी से मोटर के सहायता से चला सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस मशीन की बॉडी मटेरियल की, तो ये फुली कास्ट आयरन की बनी हुई है और अंदर का ऑगर स्टेनलेस स्टील का है और ग्राइंडिंग डिस्क और ब्लेड स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, जिससे इस मशीन को मजबूती मिलती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस मशीन की कैपेसिटी की, तो घंटे में आप 10 केजी मटन या चिकन का कीमा बना सकते हैं। और वहीं हम इस मशीन की हॉपर साइज का बात करें, तो ये 5.5 इंच का है। अब हम आपको मशीन से जुड़ी कुछ जरूरी टिप्स बताएंगे। मशीन को ज्यादा इस्तेमाल करने से मशीन का ब्लेड घिस जाता है, जिससे उसका धार चला जाता है। तो इसके लिए आप मशीन के ग्राइंडिंग डिस्क और ब्लेड को शार्प कर लें, ताकि लंबे समय तक मशीन को यूज कर सकें। अब हम आपको बताएंगे मशीन को कैसे क्लीनिंग किया जाता है। सबसे पहले मशीन को खोल लें, उसके बाद माइल्ड डिश वाशर से मशीन को साफ कर लें और सूखे कपड़े से पोंछ कर उसके बाद आप मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये मशीन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके इस मशीन की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग मशीनरी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टूल्स विला को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मशीन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।